मूलांक चार वालों के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2023? आज इसी पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। मूलांक चार वालों का वार्षिक राशिफल बताया जा रहा है इस वीडियो में, और उपाय भी आपको बताए जाएंगे। उपाय भी ऐसे चमत्कारी जिससे आपको हर समस्या से निजात मिल जाए। हमारा उद्देश्य है अपने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स को सुखी रखना है, खुशहाल रखना है, और यही प्रयास हम करते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। अगर आपकी रुचि ज्योतिष तंत्र मंत्र वास्तु में है तो हमारे चैनल यानी डॉक्टर उमाश्री चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ बेहतरीन जानकारी आपको देने का प्रयास किया जाता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो लाइक करें, सबसे शेयर करके पुण्य लाभ कमाएं। डॉक्टर उमाश्री ऐसा ही चैनल है, आपके प्यार और सपोर्ट की बदौलत ये ग्रो कर रहा है। इसी तरह से अपना प्यार बरसाते रहें डॉक्टर उमाश्री चैनल पर और सपोर्ट करते रहें, हम आपका आभार अभिव्यक्त करते हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य ही प्रेषित करें। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके बहुत काम आने वाला है। मूलांक चार वाले डॉक्टर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, पायलट बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। टीचिंग के प्रोफेशन में इनका भाग्योदय होता है, लेकिन ये हमने जो नाम बताए इन सभी प्रोफेशन को ये चुन सकते हैं। नेता भी बन सकते हैं, उद्योगपति यानी बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, इनको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। इनके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनमें से चुन सकते हैं जो भी ये करना चाहें। इनको फ़ायदा होता है हर काम में, क्योंकि ये सूझबूझ के धनी होते हैं, इंटेलिजेंट सुपर्ब होते हैं। और कुछ एक मूलांक वालों को छोड़ दें, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स और नेचर वाइज अलग तरह के लोग होते हैं, उनका मूलांक चार है भी नहीं ये भी डिसाइड करता है। मूलांक जो चार वाले हैं उनका प्लैनेट राहु है, ये जोड़ तोड़ में माहिर होते हैं, और राहु केतु का ही ये वर्ष है। केतु का वर्ष है और आपको फ़ायदा देगा। राहु केतु एक ही बॉडी के दो पार्ट हैं, एक धड़ है और एक सिर है, और चार अंक वालों के पास सिर ही सिर होता है। दिमाग की इनके पास कोई कमी नहीं होती है, जोड़ तोड़ बिठा के तिकड़मबाजी करके अपना काम निकाल ही लेते हैं। तो आइए संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करते हैं और आपको फ़ायदा देते हैं। मूलांक चार वाले सूर्य से भी शासित होते हैं, आत्मविश्वास इनमें गजब का होता है, कॉन्फिडेंस लेवल इनका गजब का होता है। ऐसा कोई काम नहीं जो इनसे ना हो, ये हर काम में माहिर होते हैं। मल्टीपर्पज़ इनकी क्वालिटी होती है और ये हरफन मौला कहे जा सकते हैं अपने काम के द्वारा। मूलांक चार वालों के लिए ये वर्ष खुशियों की सौगात लेकर आएगा। हालांकि भाग दौड़ की अधिकता रहेगी, लेकिन अनुपात में आपको सफलता मिलती ही रहेगी और पूरा वर्ष आपको खुशियों की सौगात लेकर आएगा। आपके हर बिगड़े काम इस वर्ष पूरे होंगे। नौकरी की तलाश करने वालों को नौकरी मिलेगी, बिजनेस करने वालों को व्यवसाय में लाभ होगा, इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हो जाएंगे और आपके अलग अलग क्षेत्र से व्यक्तियों से संपर्क बनेंगे जो आपको व्यवसाय में लाभ भी देंगे। ये वर्ष आपके लिए अति महत्वपूर्ण है और कोई भी उपलब्धि इस वर्ष आपको हो सकती है, आपको ज़बरदस्त फायदा होगा। व्यवसाय में प्रगति के लिए जो प्रयास हैं वो पूर्ण होंगे और परेशानी भी आपकी हल होगी। कामकाज के लिए उत्सुकता बनी रहेगी और विपरीत वातावरण में भी सूझबूझ और धैर्य से आप अपना काम निकाल ही लेंगे। आपके लिए ये वर्ष का महीना जो है अप्रैल शुभ रहेगा। अप्रैल में आपके हर काम बनते रहेंगे और प्रयत्नों में आपको सफलता हर काम में मिलेगी। तो ये वर्ष आपके लिए शुभ रहने वाला है। आपको राहु यंत्र पूजा में रखना चाहिए और सूर्य यंत्र भी पूजा में रखना चाहिए, इससे आपको ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। वैसे तो आप आत्मविश्वास कूट कूट के आपके अंदर भरा रहता है, लेकिन आप चाहें तो सूर्य यंत्र और राहु यंत्र अगर आपने पूजा स्थान में रखते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। केतु यंत्र भी आप पूजा में रख कर सफलता की सीढ़ी अचानक से चढ़ जाएंगे। आपको ज़बरदस्त फाइनेंशियल लाभ होगा इस वर्ष, आपके हर बिगड़े काम बनेंगे, पदोन्नति में कोई रुकावट नहीं आएगी, आपको व्यापार में ज़बरदस्त लाभ होगा और उपलब्धि ऐसी होगी जिससे मन प्रसन्न हो जाएगा। तो आपको सरस्वती माता की पूजा करनी चाहिए, नीले पुष्प आप सरस्वती माता को चढ़ाते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। अगर आप भैरव जी की उपासना करते हैं तो भी आपको लाभ मिलता है। भैरव जी को इमरती का भोग लगाएं, शराब चढ़ाएं तो आपका बिजनेस और जीवन शैली उत्तमता को प्राप्त होती है और आपको सब सुख इस वर्ष मिलेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना।